नमस्कार दोस्तों, कैनवा ट्यूटोरियल में हम आज एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखने वाले हैं। अगर आप रेगुलरली कैनवा यूज करते हैं तो आपको ये फीचर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है, तो बिना स्किप किए पूरा देखिए। लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ ईणा गुरमेश परंगी। तो हम कोई भी एक टेम्पलेट ले लेते हैं, यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल ले लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स है, आपको जो भी चाहिए वो टेम्पलेट यहाँ से आप ले सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट ले लीजिए। ओके, इसको हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमने देखा है एलिमेंट्स जब हम चूज करते रहते हैं तो कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, अगर हमने लॉक नहीं किया है तो कभी कभी हमको पीछे वाला एलिमेंट चूज करना रहता है। तो उस टाइम में क्या करोगे आप? तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ऐसे क्लिक किया तो पीछे वाला एलिमेंट चूज होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है आपको एलिमेंट्स चूज करने का। पहले तो आपको मेन जो टेम्पलेट है, मेन जो स्क्रीन है बैकग्राउंड का, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पोजीशन में जाना है। तो पोजीशन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेयर्स अवेलेबल है। जैसे कि हमको फोटोशॉप में लेयर्स अवेलेबल रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आपको लेयर्स मिल जाएंगे। जो कौन सा लेयर ऊपर है, बैकग्राउंड का लेयर हमेशा पीछे रहता है, इसको आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स है इनको आप मूव कर सकते हैं। समझो इसको ऊपर लाना है तो ये ऊपर गया और ये नीचे आया, मतलब आगे पीछे उसका यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसके ऊपर एक एलिमेंट ऐड करके देखते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। तो इस बॉक्स को यहाँ पे ऊपर नीचे, मतलब ऐसे वर्टिकली नहीं, इसको आगे या पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे लेयर्स, पोजिशन में जाओ, यहाँ पे अरेंज भी रहेगा, यहाँ पे लेयर्स रहेगा। तो लेयर्स में अभी जो हमने ये एलिमेंट ऐड किया है, इसको क्या करना है हमको, ये जो राइटिंग में दिख रहा है इसके पीछे लेके जाना है। तो जो ऊपर रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा लेयर, तो हमको इसके पीछे लेके जाना है। देखिए अभी ये बॉक्स ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। नहीं हमको ये येल्लो वाला बेल्ट के पीछे चाहिए तो उसके पीछे भी आप ऐसे रख सकते हैं, और नीचे चाहिए तो ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही आसानी रहती है और आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बार बार उसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेलेक्ट करने के लिए। तो जब आप डिज़ाइन करते रहोगे तो ये बहुत यूज़फुल रहता है लेयर्स। और यहाँ पे पूरा डिज़ाइन होने के बाद आप उसको यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो, लॉक करने के बाद मूव नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक फीचर है। अभी हम एक एम्प्टी पेज लेते हैं, यहाँ पे ये एम्प्टी पेज है तो आपको इजीली दिखाई देगा। यहाँ पे फाइल में आप व्यू सेटिंग्स में जाके ऐड गाइड्स करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइड्स जो भी डिफॉल्ट था उसने यहाँ पे गाइड्स ऐड कर दिया। नहीं आपको वो नहीं चाहिए था, आप यहाँ पे 6 चाहिए था या फिर 3:3 चाहिए था तो वो भी कर सकते हैं। नहीं आपको खुद के गाइड्स चाहिए थे, समझो आपको कोई एलिमेंट्स यहाँ पे फोटोज अरेंज करना है, समझो रेगुलरली ऐसे एग्जैक्ट उसी पोजीशन में फोटोज ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ग्रिड्स डाल के आप उसको रख सकते हैं। एक रेगुलरिटी आ जाएगा। अगर आप पैटर्न बना रहे हैं या फिर कुछ और बना रहे हैं तो वहाँ पे आप कस्टम गाइड्स भी यूज कर सकते हैं। कस्टम गाइड्स मतलब आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, उसका लेंथ कितना चाहिए, वो सब यहाँ पे रख सकते हैं और मार्जिन भी आप दे सकते हैं। तो व्यू सेटिंग्स में और एक है, यहाँ पे फाइल में जाके व्यू सेटिंग्स में शो मार्जिन्स, यहाँ पे मार्जिन रखोगे तो ये मेन मार्जिन भी आपको आ जाएगा। तो मार्जिन आप चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं। और एक है यहाँ पे शो प्रिंट ब्लीड। तो प्रिंट ब्लीड क्या होता है आपको मालूम है, जब भी आप कोई प्रिंटेबल प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो प्रिंट ब्लीड इतना कट जाएगा करके वो देता है, मतलब प्रिंटिंग में इतना चला जाएगा। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ कोई भी प्रिंट ब्लीड के बाहर नहीं रखना है। तो ये दो फीचर्स थे आज के इस ट्यूटोरियल में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फीचर्स कैसे लगे। अगर यूज़फुल लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करना।